हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फंटेसी प्लेइंग लैंड पर। आज हम बात करने जा रहे हैं युवा कबड्डी सीरीज में, जो आज का पहला मैच होने वाला है, पैरियर पेंथर वर्सेस मुरथल मैग्नेट्स के बीच जो कबड्डी का मैच होने वाला है, उस मैच के बारे में आपकी वीडियो बताएंगे कि किस प्लेयर को पिक करके चले, किस प्लेयर को ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए सम्मोलिक और ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इस टीम के प्लेयर के हर प्लेयर के स्टेट्स के बारे में बताने वाले हैं। दोनों टीमों की आपको एक एक पॉइंट कवर करके देंगे। अगर आप किसी फंटेसी ऐप पे अपनी टीम बनाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो ड्रीम टीम में अगर डिफेंडर के बारे में बात करें तो किरसन डोला आपको देने मिल जाएगा, विजय कुमार, अनीश, संजय, इस तरह से चार प्लेयर आपको डिफेंडर के रूप में देने मिल जाएगा। अगर विजय कुमार के बारे में बात करें जो कि मुरथल मैग्नेट्स की तरफ से खेलते हैं, पिछले मैच में 48 के लिए ड्रीम पॉइंट कलेक्ट करके एक ही टैकल किया, उससे पहले भी कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस में नहीं है, तो विजय कुमार को आप अपनी टीम से ड्रॉप भी लेकर चले। इनके अलावा भी आपके पास और बहुत अच्छे खासे पिक एज ए डिफेंडर के रूप में देने मिल जाएगा। संजय के बारे में बात करें जो कि मुरथल मैग्नेट्स की तरफ से खेलते हैं, पिछला मैच जो अराइवल एयरज के खिलाफ जो मैच होता उस मैच में एक टैकल किया था, पंचाल पट के खिलाफ जो मैच होता उस मैच में तीन टैकल, जिनमें से एक इन्होंने सुपर टैकल भी लगाया था। मराठा मार्वल्स के बारे में बात करें, मराठा मार्वल्स के खिलाफ इन्होंने दो टैकल किए थे, तडोबा टाइगर के खिलाफ चार टैकल किए थे। अगर अराइवल एयरज के एक और मैच के बारे में बात करें, उस मैच में दो टैकल किए थे, पैरियर मेंथर के खिलाफ यानी इसी टीम के खिलाफ जो हेड टू हेड हुआ था उस मैच में दो टैकल किए थे। तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आपके पास संजय के देखने को मिल जाएगा, तो संजय को आप अपनी टीम में एज या डिफेंडर के रूप में चाहे स्मॉल लीग टीम बनाए चाहे ग्रैंड लीग टीम बनाए हर टीम में लेकर चल सकते हैं, एक अच्छा खासा पिक देखने को मिल जाएगा। अनीश के बारे में बात करें, हम अपनी पहली ड्रीम इससे पहले मैच में भी इनका जो पंचाल पड़े गिला मैच होता उस मैच में लेकर चले थे, 88 पॉइंट का करके तीन टच पॉइंट निकाले थे, तीन टैकल भी किए थे एज डिफेंडर के बावजूद इन्होंने तीन रेड भी निकाले थे। हम्पी हीरोज के खिलाफ इन्होंने कोई भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखा था, लेकिन तडोबा टाइगर के खिलाफ जो मैच होता उस मैच में चार टैकल किए थे। हम्पी हीरोज के खिलाफ जो एक और मैच होता उस मैच में चार टैकल किए थे। कजरंगा के खिलाफ मैच के बारे में उस मैच में तीन टैकल किए थे। तो अनीश एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस में इस लीग में आपको देने को मिल जाएगा, तो एक नए उभरते सितारे को आप अपनी ड्रीम टीम में जरूर लेकर चले, चाहे समोह लीग टीम हो चाहे ग्रैंड लीग टीम हो, हर टीम में आप अपनी टीम में इनेस को पैरियर पैंथर्स की तरफ से दिन लेकर चल सकते हैं। बात करते हैं किरसन डोला के बारे में, बात करें जो कि मुरथल मैग्नेट्स की तरफ से ओपन करते हैं जो डिफेंडर के रूप में, अराइवल एयरज के खिलाफ जो मैच होता उस मैच में तीन टैकल किए थे, पंचाल पट के खिलाफ इन्होंने सात टैकल किए थे, उससे पहले मराठा वालवेल्स के खिलाफ इन्होंने तीन टैकल किए थे, पंचाल पट के खिलाफ जो एक और मैच होता उस मैच में ड्रॉप चले थे, तडोबा टाइगर के खिलाफ इन्होंने चार टैकल किए थे। तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस में किरसन डोला आपको देने मिल जाएगा, तो किरसन डोला को आप अपनी समोली ग्रैंड लीग हर टीम में लेकर चल सकते हैं। तो आपको चाहे स्मॉल लीग टीम बनाए ग्रैंड लीग टीम बनाए हर टीम के लिए किरसन डोला आपके पास बेस्ट पिक देने को मिल जाएगा। तो किरसन डोला के रूम में एक अच्छा खासा आपके पास डिफेंडर होने वाला है। तो ऑलराउंडर के बारे में बात करने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता दें, आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर अपलोड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम अपलोड नहीं करवा सकते। अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर के बारे में, बात करने से पहले हम आपको बता दें, आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, फाइनल टीम के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑलराउंडर के बारे में बात करें तो आसू मलिक आपको देखने को मिल जाएगा, आशीष देखने को मिल जाएगा, नवीन शर्मा देखने को मिल जाएगा, मनीष ढुल देखने को मिल जाएगा। तो एक अच्छे खासे परफॉर्मेंस में अगर मनीष ढुल के बारे में बात करें जो कि पहले मुरथल मैग्नेट्स की तरफ से आज ऑलराउंडर के रूम में खेलते हैं, पिछला मैच जो अराइवल एयरज के खिलाफ था उस मैच में तीन टैकल किए थे, एक सुपर टैकल लगाया था, पंचाल पट के बारे में बात करें उस मैच में एक ही टच पॉइंट एक ही टैकल किया था, मराठा मार्वल्स के खिलाफ तीन टैकल किए थे, पंचाल पट के खिलाफ जो एक और मैच हुआ था उस मैच में पाँच टैकल किए। तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आपको मनीष ढुल भी देखने को मिल जाएगा। अगर आज इनमें कोई भी प्लेयर ड्रॉप चलता है तो मनीष ढुल को आप अपनी ग्रैंड लीग से मोल लीग दोनों टीम में एज ए ऑलराउंडर के रूप में लेकर चल सकते हैं। नवीन शर्मा के बारे में बात करें जो कि पैरियर पैंथर की तरफ से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर देखने मिल जाएगा, पंचाल पड़े के खिलाफ जो पिछला मैच हुआ था उस मैच में तो ड्रॉप चले थे, लेकिन हम्पी रोज के खिलाफ इन्होंने तीन टच पॉइंट प्लस चार टैकल किए थे। तडोबा टाइगर्स के बारे में बात में दो टच पॉइंट एक बोनस और पाँच एक ही मैच में टैकल किया था।
हम फिर उसके बारे में बात करें, उस मैच में 3 टैकल गिरे। केआर के बारे में बात करें, उस मैच में 5 टैकल गिरे। पंचार पटेल के खिलाफ जो एक और मैच है तो उस मैच में 6 टैकल किए थे। मुरथल मैग्नेट के खिलाफ, इसी टीम के खिलाफ जो हेड टू हेड होता, उस मैच में 7 टैकल किए थे। तो एक अच्छा खासे परफॉर्मेंस में आपको नवीन शर्मा देखने मिल जाएगा। तो चाहे आप समोली टीम बनाए, चाहे ग्रैंड लीग टीम बनाए, हर टीम के लिए आपके पास ऑलराउंडर के साथ साथ कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में नवीन शर्मा देखने मिल जाएगा। तो आपके पास एक अच्छा खासा पिक होने वाला है। आसू मलिक के बारे में बात करें, जो कि मुरथल मैग्नेट्स की तरफ से ऑलराउंडर के रूप में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर आपको देखने मिल जाएगा। जो पिछला मैच रायबरेली रॉयल्स के खिलाफ होता, उस मैच में 14 टच पॉइंट प्लस एक बोनस। पंचाल पड़े के खिलाफ थोड़ा वीक प्रदर्शन दिखा था। एक मराठा मार्वल्स के बारे में बात करें, उस मैच में 12 टच प्लस 3 बोनस। पंचाल पड़े के खिलाफ जो 13 जून को मैच होता, उस मैच में 3 टच पॉइंट एक बोनस और 3 उन्होंने टैकल भी किए। तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं, हर मैच में अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आपकी ड्रीम टीम के लिए बेस्ट ऑफ ऑप्शन आपके पास आसू मलिक देखने मिल जाएगा। तो समोली ग्रेनेडी हर टीम के ऑलराउंडर के साथ साथ कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में बेस्ट पिक आपके पास आसू मलिक होने वाला है। तो आसू मलिक को आप अपनी ड्रीम टीम में जरूर लेकर चले जाइए ऑलराउंडर के रूप में। तो रेडर के बारे में बात करने से पहले हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में विजन इलेवन का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप अभी विजन इलेवन को डाउनलोड करें। विजन इलेवन को क्यों डाउनलोड करें? सबसे कम एंट्री फीस में सबसे ज़्यादा विनिंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपको विजन इलेवन पर देने मिलेगा। एंट्री फीस भी कम, कॉम्पिटिशन भी कम, विनिंग प्राइस सबसे ज़्यादा। हर गेम की आपको 5-5 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन देने मिल जाएगी, यानी कि बाकी ऐप से 5 मिनट बाद जिसमें गेम स्टार्ट होगा। तो लाइन पाने वाली एक अच्छा खासा मौका बचता है आपके पास आसानी से बेस्ट फैंटेसी टीम तैयार करके आसानी से ग्रैंड लीग में करने का। तो कंपटीशन का होने कारण आप आसानी से ग्रैंड लीग स्मॉल लीग विन कर सकते हैं। हमारा रेफर कोड यूज़ किया, आपको 300 का बोनस मिलने वाला है। तो अभी डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन में जाके विजन इलेवन, और इस मैच की फैंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ विजन इलेवन पर तैयार करें। तो रेडर के बारे में बात करें, रेडर में आपके पास सभी प्लेयर बेस्ट पिक देने मिल जाएगा। रेल के रेडर आप अपनी टीम में 2 या 3 लेकर चल सकते हैं। विनय वीरेंद्र के बारे में बात की, आशीष नरवाल भी देखने मिल जाएगा, रिंकू भी आपको देखने मिल जाएगा, अंकित भी आपको देखने मिल जाएगा, उमेश पंवर भी आपको देखने मिल जाएगा। बात करते हो आपके पास जगलान, यानी कि जो कि पैरियर पैंथर की तरफ से न्यू प्लेयर है नितिन जगलान के बारे में बात करें, 3 मैच प्ले किए। पंचाल पटेल के खिलाफ जो मैच होता, उस मैच में 4 टैकल किए, 4 टच पॉइंट, 1 बोनस और 1 इन्होंने टैकल लगाया था। हम्पी रोज के बारे में बात करें, उस मैच में 1-2 टच प्लस 1 बोनस निकाल 1 टैकल किया था। अगर बात करें तड़ौबा टाइगर के खिलाफ मैच के बारे में बात करें, उस मैच में एक ही मैच में 8 टच पॉइंट निकाले थे। तो 3 मैच प्ले किए, 3 मैच में 7-207 के लिए इन्होंने पॉइंट कर गए। तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आपको अंकित देखने मिल जाएगा। तो सॉरी दोस्तों, काम उसके बारे में बात करें तो नितिन जगलान को आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में मौका दे सकते हैं, एक अच्छा खासा पिक होने वाला है। उमेश पंवार आपके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर मुरथल मैग्नेट्स की तरफ से देखने मिल जाएगा। जो रायबरेली के खिलाफ होता, उस मैच में 3 टच प्लस 1 टैकल किया था। पंचाल पटेल के खिलाफ इन्होंने 10 टच 1 टैकल और 1 इन्होंने बोनस निकाला था। मराठा मार्वल्स के खिलाफ इन्होंने 13 टच प्लस 3 टैक बोनस और 1 टैकल किया था। पंचाल पटेल के खिलाफ जो एक और मैच होता, उस मैच में 11 टच पॉइंट निकाले थे। तड़ौबा टाइगर के खिलाफ जो एक और मैच होता, उस मैच में 60 टच 1 टैकल किया था। रायबरेली के बारे में बात करें, उस मैच में 9 टैकल किए थे। उमेश पंवार सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर आपको देने मिल जाएगा। तो आशीष नरवाल, रिंकू, अंकित और उमेश पंवार, इन चारों में से किसी भी 2 या 3 प्लेयर को आप अपनी ड्रीम टीम में लेकर चल सकते हैं। नितिन को हम अपनी टीम में आप सिर्फ और सिर्फ स्टैट के बारे में बता रहे हैं। तो फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। विनय वीरेंद्र के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर आपको, जैसा कि आपको बता दिया, आशीष नरवाल के बारे में बात करें, जो कि पैरियर पैंथर की तरफ से खेलते हैं। पंचाल पटेल के खिलाफ जो पिछला मैच होता, उस मैच में 10 टच पॉइंट निकाले थे, 3 टैकल किए थे, सॉरी दोस्तों 3 बोनस निकाले थे और 2 इन्होंने टैकल किए थे। हम फिर उसके बारे में बात करें, 10 टच पॉइंट और 2 बोनस निकाले थे। तड़ौबा टाइगर के खिलाफ 16 टच 3 बोनस और 2 टैकल, 1 सुपर टैकल लगा था। हम फिर उसके खिलाफ एक और मैच के बारे में बात करें, 18 टच प्लस 2 बोनस। पंचाल पटेल के एक और मैच के बारे में बात करें, 16 टच प्लस 2 बोनस। एज ए रेडर के रूप में आपको 15 से 20 पॉइंट निकाल कर देने वाले हैं, एक अच्छा खासा पिक आपको देखने को मिल जाएगा। तो एज ए डिफेंडर रेडर के रूप में तो आप अपनी ड्रीम टीम में एज ए रेडर के रूप में आशीष नरवाल को लेकर चल सकते हैं। अंकित के बारे में बात करें, जो कि अंकित पिछले 2-3 मैच से थोड़ा वीक प्रदर्शन दिखा रहे, तो अंकित को आप अपनी टीम से ड्रॉप भी लेकर चलते हैं। अगर इनमें से कोई भी प्लेयर ड्रॉप चलता है तो अंकित को आप अपनी टीम में जरूर पिक करके चलते हैं। उमेश पंवर के बारे में बात करें, जो कि मुरथल मैग्नेट्स की तरफ से, जैसा कि हमको इनके स्टैट्स के बारे में बताया था, बहुत अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो इन्हें आप इन्हीं 4-5 प्लेयर में से आप अपनी ड्रीम टीम में 3 रेडर के रूम में लेकर चल सकते हैं। चाहे समोली टीम ना, इन्हीं में से आप अपने कैप्टन वाइस कैप्टन, इन्हीं में से रेडर के रूम में बेस्ट पिक देने मिल जाएगा। तो नवीन शर्मा को आप अपनी टीम में कैप्टन, आसू मलिक को वाइस कैप्टन रूम में लेकर चल सकते हैं। आपके पास आशीष नरवाल भी एक अच्छा खासा कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में पिक देने मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपनी ड्रीम टीम क्रिएट करके आसानी से ग्रैंड लीग से मोलिंग कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों।
आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोडक्ट कराते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टाइम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टाइम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। और आपने अभी तक विजन एलेवन डाउनलोड नहीं किया तो बहुत कुछ मिस करें। सबसे कम इंटरफेस में सबसे ज़्यादा विनिंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ विजन एप पर देने मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप डाउनलोड करें। हर गेम के आपको 5-5 मिनट एक्स्ट्रा डेडलाइन देने मिल जाएगी, यानी कि बाकी ऐप से 5 मिनट बाद इसमें गेम स्टार्ट होगा, तो लाइन में पाने बाद एक अच्छा खासा मौका बचता है आपके पास अपनी बेस्ट या बेस्ट वर्ल्ड ऐसी टीम तैयार करने का। अभी डाउनलोड करें और हमारा रेफर कोड यूज़ किया आपको एक अच्छा खासा बोनस मिलने वाला है। और हमें इस कॉम्पिटिशन को मैंने गाना पसंद नहीं, ग्रैंड लीग से मोली विन कर सकते हैं। अभी डाउनलोड करके इस मैच की फंटेसी टीम सिर्फ और सिर्फ विजय पर तैयार करें।